ये तीनों बातें तथ्यपरक हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता में आई, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 35 से 40% का रहा है वहां, और वो कम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या प्रत्येक चुनाव में घटती गई है। जब से वो सत्ता में आई है, नेक्स्ट अगले चुनाव में उसकी एक सीट नहीं बढ़ी। माधो सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश गुजरात विधानसभा चुनाव में सीटों के जीतने का, उसको आज तक 27 सालों में यह पार्टी तोड़ नहीं पाई। और मजबूती के साथ ये कांग्रेस बीजेपी के साथ लड़ती रही है। तो अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि कांग्रेस मजबूती स्थिति में है, तो ये कोई गलत नहीं है। इस चुनाव को भी दमदारी से लड़ रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि कांग्रेस ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में युवा संपर्क अभियान निकाला, बदलाव परिवर्तन रैलियां निकाली। एक भी रैली को राजीव जी अपने सूत्रों से पता कर लीजिए, हमने अपने मित्रों से माध्यम से पता किया, एक भी रैली सफल नहीं रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने गौरव यात्राएं निकाली विभिन्न जिलों में, यहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री को भी वापस जाओ के नारे सुनने पड़े। गोया कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, यह भी सही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चाल चलन है, यह भी बताता है कि पार्टी स्वयं महसूस करती है कि वह एंटी इनकम्बेंसी है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका यह है कि पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री से लेकर के और उपमंत्री तक बदल दिया, किसी एक को कंटिन्यू नहीं किया। कोई भी राजनीतिक दल अनायास इस तरह के निर्णय नहीं लेता, इसके पीछे कोई ना कोई का राजनीतिक कारण होता है। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी अपने 27 सालों के प्रशासनिक उपलब्धियों की बात नहीं कर रही है, वह गुजरात के गौरव गाथा की बात कर रही है। वह यह कह रही है कि कुछ लोग गुजरात का अपमान करने के लिए का प्रयास कर रहे हैं, उनको जवाब देना है। वह यह नहीं बता रही है कि 27 साल में उसने आधारभूत संरचनाओं में कितना विकास किया, स्कूल की शिक्षा के लिए कितना विकास किया, स्वास्थ्य के जो आधारभूत ढांचा है उसका उसको कितना मजबूत किया, कोई बात नहीं कर रही है। शिक्षा के निजीकरण को लेकर के जो इसकी कोशिशें थी, और लोग शिक्षा लगातार महंगी होती गई गुजरात में, उसकी जवाबदेही नहीं दे अपने ऊपर लेने दे रही है। जो सुशासन के मुद्दे हैं उसकी बात गुजरात में वो नहीं कर रही है। गोया कि उसके पास एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा है और उसको जबरदस्त तरीके से वो महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा 3 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखा जाना चुनाव के ठीक पहले, यह इस बात को बताता है कि सरकार अपने के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। वह अपने शासनकाल के उपलब्धियों के बजाय आने वाले सपने को दिखाने की कोशिश कर रही है, और वह यह इस बात का प्रमाण है कि लोग उसके अब तक के शासन से नाराज हैं। तीसरी बात, उन्होंने कही कि भारतीय आम आदमी पार्टी हवा में है, यह भी गलत नहीं है। आम आदमी पार्टी गुजरात में पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है, पिछली विधानसभा का भी चुनाव लड़ी थी, एक सीट नहीं जीत पाई। इसके पहले स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव भी गुजरात में आम आदमी पार्टी ने लड़ा था। स्थानीय निकायों के चुनाव में सूरत में उसको सफलता मिली। उस सूरत में भी जो इनके उम्मीदवार जीते हैं, उसमें 70 से 75% तक, 80% तक उम्मीदवार वह हैं जो कांग्रेस से टूट करके इनके पास शामिल हुए थे। वह उन उम्मीदवारों की निजी उपलब्धियां हैं, बजाय कि आम आदमी पार्टी के एक राजनीतिक दल के रूप। इसके अलावा इनको थोड़ी बहुत सफलता मिली गांधीनगर में, वह भी दूसरे दलों से टूट करके आए हुए लोग हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गुजरात में कहीं भी आम आदमी पार्टी को कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं मिली। आप ये याद कर लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव शुरू होने के पहले सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की थी, और 2 उम्मीदवार इन्होंने घोषित किए थे, एक पोरबंदर और एक द्वारिका। वो दोनों उम्मीदवार कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार हैं, नेता हैं, जिनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बताया। जब ये आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने वहां के लोगों को बेरोजगार की रोजगार देने की बात कही, गुजरात के कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान की बात कही, किसानों की समस्याओं की बात कही, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, और आते आते अब घोषणा की स्थिति बने उसके पहले वो लक्ष्मी गणेश पे चली आई। तो वह ये किस तरीके से सत्तारूढ़ दल का विकल्प बनने का प्रयास कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पार्टी कितनी हवा में है। आज तक इस जिस एक घटना से पूरी दुनिया हिल गई,
बिल्किस बानो के अपराधियों को जिस तरीके से राज्य सरकार ने छोड़ा, उनको छोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सहमति प्रदान की, उस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आज तक अपने जो वो निर्णय सही था, वो निर्णय गलत था, वो न्याय के पक्ष में था, न्याय का विरोध था, न्यायालय की अवमानना थी, कोई टिप्पणी नहीं किया। बिल्कुल अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। तो अगर आप सुशासन की बात नहीं करते हैं, बेहतर शासन व्यवस्था देने की बात नहीं करते हैं, रोजगारी और महंगाई की बात नहीं करते हैं, रोजगार के अवसर तलाशने की बात नहीं करते हैं, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की आप बात नहीं करते हैं, और लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के विकल्प नहीं बन सकते। और इस बात को यह बताता है कि आप जमीन पर नहीं है, हवा में है। तो गोया कि राहुल गांधी की तीनों बातें तथ्यपरक हैं, और निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है गुजरात में, हमको आपको दिखाई नहीं पड़ सकता, और राजीव जी आप देख भी नहीं सकते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अगर आप कांग्रेस को देखना चाहेंगे, तो आपको कहीं नहीं दिखेगी। ये राजा और रंग की लड़ाई है, एक ऐसे सियासतदान के साथ विरोध की पार्टी लड़ रही है जिसके संसाधन छीन लिए जा रहे हैं, जिनसे जुड़ने वाले लोगों के जी ऊपर एक अलग तरह का भय पैदा किया जा रहा है। तो आप अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले प्रचार की बात करेंगे, तो आप कांग्रेस को नहीं दिखाई, आपको कांग्रेस नहीं दिखेगी। लेकिन अगर कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए, और ये राहुल गांधी की यात्रा का परिणाम है राजीव जी, आप बताइए कि पिछले 2 महीनों में, ये इस यात्रा के शुरू होने के बाद आज लगभग 45वां दिन पूरा हो चुका है, 45 दिन पूरे हो चुके हैं, पूरे देश के किसी भी राज्य में किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी चौवन छोड़ के दिन हो जाने की गए, बात नहीं, 54 दिन हो गए। चौवन दिन हो गए तो 54 दिनों में राजीव जी, पूरे देश के किसी भी राज्य में यह खबर नहीं आई कि कोई नेता कांग्रेस छोड़ के चला गया, बल्कि शंकर सिंह वाघेला का बेटा कांग्रेस में शामिल हो गया। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के छोटे मोटे नेता नहीं है, अगर उनका बेटा कांग्रेस का दामन थामता है, यह इस बात का एक संकेत है। इस एक तथ्य से इस बात को जाना जा सकता है कि कांग्रेस ने जमीन पर अपना पांव किस तरीके से मजबूती से रखा हुआ है, और दिन प्रतिदिन वो फैल उसका जनाधार बढ़ रहा है। जी तो बिल्कुल राहुल गांधी की बात, ये आप इसको हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। और एक बहुत ही जिस बात के लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं, निश्चित रूप से गांधी ने मोरवी घटना के ऊपर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, देश के साथ लगाव रखने वाले व्यक्ति की यही प्रतिक्रिया होगी। वो यही कहेगा जिसको समाज को बांटना नहीं है, राजनीति में तो विरोध चलता रहता है, आप कभी शासन में कोई कभी शासन में, लेकिन अगर आपकी संवेदनाएं मर गई, आपके पास मानवीय मूल्य नहीं रह गए, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति आपके के मन में कोई सहानुभूति नहीं है, आप मन से आहत नहीं होते हैं, तो फिर आप जोर तोड़ राजनीति के तो हो सकते हैं, चुनाव जीतने की कला आपको आ सकती है, लेकिन जिस बात के लिए राजनीति में लोग आते हैं, जिन जिन बातों के लिए राजनीति में आने पर लोगों का आदर सत्कार होता है, वह मूल्य आपके पास नहीं, आप समाज को संदेश देने की स्थिति में नहीं हो सकते। जी जी समाज जी को एकजुट रखने के लिए और उनको नेतृत्व देने की स्थिति में आप नहीं रह सकते। बहुत बहुत ही दर्दनाक घटना ये, जी और बिल्कुल उसके बाद भी बिल्कुल आप सोचिए ना,